हाय गाइस, मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं गेगी वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो हम बात करने वाले Xiaomi की जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही है Redmi Note 5 Pro से रिलेटेड, जो आपको मार्केट में 2000 3000 4000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं Redmi Note 5 Pro के लिए, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये भी बताऊंगा कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं और शायद हम इसमें फ्यूचर में जो भी Xiaomi का फोन है और उसमें हमें ये ब्लैक मार्केटिंग ना मिले, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि Redmi Note 5 Pro आपको भी मिल जाए जो एग्जैक्ट प्राइस है उस पे और ये ब्लैक मार्केटिंग रोकना चाहते हैं, तो इस वीडियो करने तक देखते रहिए। तो एक दिन यार मैं बैठा बैठा सोच रहा था, अगर मुझे फ्लैश सेल में Redmi Note 5 Pro नहीं मिला तो मुझे यार क्या करना होगा। तो मैंने सोचा यार चलो कोई बात नहीं, 500 या 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मुझे ब्लैक मार्केटिंग से ही लेना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि यार उनको कॉल करके पूछ लेता हूँ। तो मैंने बहुत सारे नंबर है मेरे पास जो मेरी एरिया में बहुत बड़े बड़े शॉप्स है और बहुत बड़े शोरूम्स है, तो मैंने उनको कॉल करा। मैंने पूछा कि भाई Redmi Note 5 Pro GB 64 GB वेरियंट कितने रुपीज़ में मुझे मिल जाएगा। तो एक ने कहा 16000 में, एक ने कहा 17000 में, एक ने कहा 16500 में। तो भाई मैं कहने लगा कि भाई इतना महंगा क्यों दे रहे हो, क्योंकि यार 14000 का फोन है, उसके लिए मैं ऊपर से 2000 रख के दूं और साथ में किसी को 3000 देने पड़े, किसी को 4000, तो ऐसा क्यों। मैंने सोचा यार चलो इनके तो बनता है, क्योंकि इनके बीच में जितने लोग होंगे उन्हें इन्होंने पैसे खिलाए होंगे, किसी को 500 किसी को 1000, तो उस वही हमसे वसूल करेंगे। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मी ऑथराइज स्टोर्स से कॉल करके पूछ लेता हूं। बता दो, मी ऑथराइज स्टोर्स वो होते हैं जो Xiaomi अपने पार्टनरशिप करता है दूसरी कंपनी के स्टोर से, ताकि वो उनके प्रोडक्ट बेच सके और आपको वो प्रोडक्ट आपको 500 रुपीस एक्स्ट्रा में मिलेगा। मतलब Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 5 आपको ऑफलाइन मार्केट से मी ऑथराइज स्टोर से 500 रुपीस एक्स्ट्रा में मिलेगा। सोचा यार उनको कॉल करके पूछता हूँ। तो उन्होंने, मैंने पूछा कि भाई मुझे Redmi Note 5 Pro चाहिए 4GB 64GB वाला, कितने में मिलेगा। तो उसने कहा 16500। तो मैंने कहा कि भाई 500 रुपये एक्स्ट्रा में कहता है Xiaomi कि आपको मी ऑथराइज स्टोर पर मिल जाएगा, लेकिन वो खुद 16500 में दे रहा है। तो भाई ये क्या चक्कर है। इसका मतलब अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस में चाहिए या फिर 500 रुपये एक्स्ट्रा भी देकर अगर आपको चाहिए, तो भाई आपको ऑनलाइन ही मिल सकता है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या मी.com या फिर आपको मिल सकता है मी होम पर। तो बस इन तीन जगह ही आपको मिल सकता है एग्जैक्ट प्राइस में। और अगर आप सोचे कि 500 रुपीस एक्स्ट्रा देकर ले लूँ, या फिर आप ये भी सोचे कि 1000 रुपीस एक्स्ट्रा देकर ले लूँ, तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है कि भाई किसी ने ऑर्डर करा हो, फिर बाद में 500-1000 में बेच रहा हो, जो लोकली अपने घर पे बैठ के करते हैं बिजनेस वो कर सकता है, लेकिन आपको शॉप में कहीं नहीं मिलेगा 500 या 1000 रुपए एक्स्ट्रा देकर। तो 1500 या फिर 2000 रुपए एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे। तो भाई इसी ब्लैक मार्केटिंग को मैं रोकना चाहता हूं और भाई मैं शुरुआत कर रहा हूं। शायद अगर आपको मेरा पूरा सपोर्ट मिला तो मैं 100% श्योर हूं कि भाई ये ब्लैक मार्केटिंग रुक जाएगी। और ये काफी इजी मेथड बताऊंगा इसे रोकने के लिए। तो ये ब्लैक मार्केटिंग क्यों चल रही है, क्योंकि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्लैक मार्केटिंग पे जो शॉप्स हैं उनसे हम प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं 1500-2000 रुपए देकर। तो क्योंकि मैंने भी सोचा कि यार मैं ब्लैक मार्केट जाकर ले लूँगा, मतलब अपनी लोकल किसी शॉप में जाकर 500-1000 रुपए एक्स्ट्रा देकर ले लूँगा, लेकिन ये मेरी सोच गलत थी। अगर मैं उसमें 500 या फिर 1000 रुपए देकर भी ले लेता तो वो तो मुझे दे देते, उनका बिजनेस हो जाता, फिर वो और फोन मंगाते जैसे भी वो ब्लैक मार्केटिंग करके मंगाते होंगे, इसके बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि वो शॉप वाले मुझे बताएंगे भी नहीं। इससे उनको बढ़ावा मिलेगा, वो और प्रोडक्ट्स मंगाएंगे और बेचेंगे और ज्यादा महंगे प्राइस में बेचेंगे। अगर हम उनको सपोर्ट करना बंद कर दें तो ब्लैक मार्केटिंग रुक जाएगी, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग चल रही है क्योंकि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस दिन से हम उनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाएगी। तो इसका जिम्मेदार Xiaomi नहीं, हम खुद हैं। तो हमको इस चीज़ को सुधारना होगा। मतलब अगर आप सोच रहे कि भाई मुझे सेल में तो मिल नहीं रहा Redmi Note 5 Pro, चलो ऑफलाइन मार्केट से ही ले लेता हूँ 1000-2000 रुपए एक्स्ट्रा देकर, तो भाई रुक जाओ, मत लो। मैं शर्त लगाता हूँ अगर एक महीना पूरा इंडिया उनसे फ़ोन लेना बंद कर देगा जो कि आपको 1000-2000 महंगा दे रहा है, तो भाई वो एक महीने बाद देखना, वो खुद आपको सिर्फ 500 रुपए एक्स्ट्रा में देंगे और अगली बार से वो ब्लैक मार्केटिंग से मंगाएंगे नहीं। मतलब आपको ऑनलाइन बहुत सारे स्टॉक मिल जाएगा, मतलब वो खुद ऑनलाइन से मंगाते हैं, मतलब फ्लिपकार्ट और मी.com से ही मंगाते हैं। अगर आप उनसे फोन लेना बंद कर देंगे तो मी.com और फ्लिपकार्ट से मंगाना बंद कर देंगे और आपको भरपूर स्टॉक मिलेगा फ्लिपकार्ट और मी.com पर। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि Redmi Note 5 Pro ऑफलाइन मार्केट से लूंगा, तो भाई प्लीज मत लेना। और अगर आपको कोई फ्रेंड लेने के लिए सोच रहा है तो भाई उसे ये वीडियो शेयर कर देना। इस पर मैं कोई सा भी लाइसेंस नहीं लगाऊंगा, मतलब ये जो वीडियो है ये क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस दूंगा, मतलब आप इसको कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। चाहे आप अपने यूट्यूब चैनल पर इसे रीअपलोड कर दो, चाहे कम्युनिटी टैब में शेयर कर दो, या फिर आप कुछ भी करो, इस पर आपको कोई भी स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगी। मेरा इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं सब्सक्राइबर्स गेन कर लूँ इस वीडियो को वायरल करा के, ऐसा नहीं है भाई। मैं ये ब्लैक मार्केटिंग
रोकना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी यार बहुत परेशान था, क्योंकि 28 से तो मेरे एग्जाम खत्म हुए थे। मैंने सोचा कि 28 के बाद फ्लैश सेल में ट्राई करूँगा, तो पहली फ्लैश सेल में मुझे मिल गया, तो मैंने उसकी वीडियो बनाऊंगा। मुझे कैसे मिला वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अगर मुझे बाई चांस नहीं मिलता, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो जेन्युइन यूजर्स होते हैं जिनको ज़रूरी होता है रेडमी नोट 5 प्रो या फिर शाओमी का कोई भी प्रोडक्ट, उनको नहीं मिल पाता है, तो भाई मुझे मिल गया, मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा कि मुझे कैसे मिला। लेकिन यार मैं एग्जैक्टली इसे रोकना चाहता हूँ, क्योंकि यार आप लोग बहुत सारे होंगे जो एक महीने से ट्राई कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने तो पहली फ्लैश सेल में ट्राई करा, मुझे मिल गया। अब मैं समझ सकता हूँ यार जो एक महीने से ट्राई कर रहा है उसे नहीं मिलता तो उसे कैसा लगता है। तो अगर आप भी रोकना चाहते हैं तो यार ऑफलाइन मार्केट से अगर आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा देकर भी ले रहे हैं, 1000, 2000, 1500 या 3000 या फिर 4000, तो मत लो, आप एक महीना वेट करो, आपको ऑनलाइन भरपूर स्टॉक मिलेगा, क्योंकि आप उनसे फ़ोन नहीं लेंगे, ना तो वो फिर me.com से मंगाएंगे, ना ही वो फ्लिपकार्ट से मंगाएंगे जो ऑफलाइन वाले हैं, और आपको भरपूर स्टॉक ऑनलाइन ही मिल जाएगा। आप एक बार में ही ट्रिक में वो ले पाएंगे, और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कैसे आप ले सकते हैं, उसमें भी आप अभी भी ले सकते हैं। तो भाई प्लीज़ ऑफलाइन मार्केट से मत लो। और मैं शर्त लगाता हूँ, अगर आपने Redmi Note 5 Pro में ये चीज़ अपनाई है, अगर आप उनसे फ़ोन नहीं लेंगे, तो भाई मैं शर्त लगाता हूँ कि आपको Redmi Note 6 या फिर अगला कोई भी Xiaomi का फ़ोन या कोई प्रोडक्ट आता है वो आपको ब्लैक मार्केट में नहीं मिलेगा, और आपको ऑनलाइन ही एक बार में पहली फ्लैश सेल में मिल जाएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, अगर आप इस चीज़ को मेरी बात को मान लेते हैं तो प्लीज़ यार ब्लैक मार्केट को कॉपरेट करना बंद कर दो। अगर आप Xiaomi के फ़ैन हो, अगर आपको भी Xiaomi के फ़ोन्स पसंद है, तो भाई प्लीज़ ब्लैक मार्केट से फ़ोन मत लो, और जिन्होंने ले लिया उनको भी ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी समझ में आ जाए, ताकि वो अगला प्रोडक्ट फिर से ब्लैक मार्केट से ना खरीदे, और जो लेने वाले उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर कर दो। और अगर आप भी सोच रहे हैं तो भाई प्लीज़ मत लेना। बस मैं यार ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले कुछ नहीं सोचा था, इसी में सोच के बता रहा हूँ, शायद इस वीडियो में आपको बहुत सारे कट मिले होंगे, तो आप भी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये यार हमारे चैनल से शुरुआत है, आपको इसे और ऊपर लेके जाना है, जितना आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, तो यार प्लीज़ करो, चाहे आप फेसबुक पर शेयर करो, यूट्यूब पर शेयर करो, ट्विटर पर शेयर करो, या फिर टैग करो, कुछ भी करो भाई, ये वीडियो शेयर करो। चाहे यार ये वीडियो शेयर नहीं कर सकते, ऐसी वीडियो बनाकर लोगों को शेयर कर दो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ब्लैक मार्केटिंग रुक जाए, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वीडियो वायरल हो के मेरे व्यूज आ जाए, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, तो बस मैं ब्लैक मार्केटिंग रोकना चाहता हूँ। तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहता मैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यार प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, उतना री अपलोड करो, उतना ही आप इसको अपने कम्युनिटी टैब में शेयर करो, उतना ही फेसबुक पर शेयर करो, ट्विटर पर शेयर करो, कहीं भी शेयर करो, और इस वीडियो को धड़ाधड़ लाइक करो। और आपको कोई सजेशन हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर दो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं।